हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, हमारे टॉपिक का नाम है गुणनखंडों या विभाजकों की संख्या ज्ञात करना। विभाजकों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर लिखा 24 और मैंने बोला इसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसके विभाजकों की संख्या बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? तो आप लिखेंगे कि हम इसे किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 24 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? देखो, 1 × 24 तो वो 24 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं? 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल कितने गुणनखंड आ गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने आ गए? 8 गुणनखंड। ठीक है, ये तो था हमारा डिटेल मेथड कि डिटेल से हम कैसे बनाएंगे किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी और निकाल नहीं पाएंगे हम आसानी से उसके गुणनखंडों की संख्या। तो विद इन सेकेंड हम कैसे निकालेंगे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए जान लेते हैं। देखो, अगर मैं 24 की ही बात करूं तो 24 के सबसे पहले आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से या खुद से डिवाइड होती हैं। जो संख्याएं एक से या खुद से डिवाइड होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ……, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या करना, 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। 24 को एज इट इज लिखो। अब देखो किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार? 12 बार। फिर 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 6 बार। फिर 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 3 बार। अब 3 से इसे कितनी बार डिवाइड करेंगे? 1 बार। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये किस 24 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार है, तो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1। ठीक, अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें इनकी घातों में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी जो घातें हैं उनमें एक एक जोड़ के हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। जैसे कि 2 की घात कितनी है? 3। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे और किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे? जो कि 3 की घात है। 3 की क्या घात है? 1। उसमें 1 जोड़ेंगे, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आएगा यहां से हमारा क्या आएगा? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी अभी तक आपको। चलिए, यहां से कितना आएगा? 4 और यहां से कितना आएगा? 2, तो कितना आ गया? 8 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैंने जैसे कि आपको बोला क्वेश्चन 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वैसे ही आप क्या करेंगे? 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, 36 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 = 4 × 12 × 36। ठीक है, लिख सकता हूं ये आसानी से। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ।
मैंने आपको बताया था अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो कितनी आएगी? मैंने बताया था कि घातों में क्या करना है, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देनी है। दो की घात कितनी है? दो में एक जोड़ो, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तीन की घात कितनी है? दो, दो में एक जोड़ो, तो कितना आ गया यहाँ से? तीन गुणा तीन बराबर नौ, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। तो 36 के कितने गुणनखंड होंगे? टोटल नौ गुणनखंड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैंने आपसे बोला कि 540 में कुल कितने गुणनखंड होंगे बताइए, 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए कितने होंगे, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अब देखो 540 के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था 540 को एज इट इज लिखो, ठीक है। कितने से आ जाएगा? ये दो से जाएगा, कितनी बार? दो दूनी चार, दो सच्चे चौदह, दो जीरो जीरो, फिर दो से जाएगा ये, दो इक्कना दो, दो तिया छः, दो पंजे दस, फिर कितने से जाएगा ये? फिर ये जाएगा तीन से, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, फिर तीन से जाएगा, तीन इक्कना तीन, तीन पंजे पंद्रह, फिर तीन से जाएगा ये, तीन पंजे पंद्रह, फिर पाँच से जाएगा ये, पाँच इक्कना पाँच। देखो दो भी हमारा अभाज्य है, तीन भी हमारा अभाज्य है, पांच भी हमारा अभाज्य है, तो ये इसके क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 540 को क्या लिखेंगे हम? दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो दो कितनी बार है? दो बार, तो दो की पावर कितनी होगी? दो। यहाँ पे तीन कितनी बार मल्टीप्लाई है? तीन बार, तो ये तीन की पावर कितनी होगी? तीन। और पांच कितनी बार है? एक बार, तो पांच की पावर कितनी आएगी? एक। मैंने बताया था कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंडों की घातों में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो की पावर कितनी है? दो, तो दो में एक जोड़ेंगे गुणा, तीन की पावर कितनी है? तीन, तो तीन में एक जोड़ेंगे। पांच की पावर कितनी है? एक, तो एक में एक जोड़ेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो यहां से कितना आएगा? तीन। यहां से कितना आएगा? चार। यहां से कितना आएगा? दो। तीन चौक बारह, दूनी चौबीस, तो 540 के जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 24। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणनखंडों या विभाजकों का सम निकालना, गुणनखंडों या विभाजकों का योग ज्ञात करना, कैसे योग निकालते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी जान लेते हैं, बहुत ही आसान मेथड है, विद इन सेकंड बनाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग। विभाजकों का योग ज्ञात करना, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या निकालना था, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी। अब जो पढ़ने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, जितने भी सारे गुणनखंड होंगे किसी भी संख्या के, उनका सम निकालना हम है। सम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने फिर वही नंबर लिखा 24, ठीक है। अब 24 के गुणनखंडों का क्या निकालना? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वही लिखेंगे हम, इसे क्या लिखेंगे देखो, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, दो दुनी चार, दुनी आठ, तिया चौबीस, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, वही काम करना जो हम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए करते थे। तो हमने क्या करा, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, दो की पावर तीन गुणा तीन की पावर एक। इतनी बात समझ में आ रही है? जितनी बार जो मल्टीप्लाई है उसकी पावर हमने बना के लिख दिया, ठीक है। अब देखो सम निकालने के लिए, गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणन खंडों का योग
निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और प्लस में लिखेंगे, 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस, 2 की पावर 2 प्लस, 2 की पावर 3। ठीक है, आई थिंक एक बात समझ में आ रही होगी, 0 से शुरू करके प्लस करते करते हमें कहाँ तक जाना, जितनी पावर है वहां तक जाना 2 की। देखो बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन एज दिस लिखेंगे। उसके बाद 3 की पावर कितनी है, 1, तो हमें 0 से शुरू करके प्लस करते करते कितने तक जाना है, 1 पावर तक जाना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आई थिंक आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 0 करो या किसी भी संख्या की पावर 0 करो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से 1 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता हमारा, 8। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। उसके बाद चलिए अगर मैं 3 की पावर 0 की बात करूं तो 1 आएगा, और 3 की पावर 1 की बात करूं तो 3 आएगा। ठीक, यहां से देखो कितना आएगा, 3 4 7 और 8 15 गुणा 4 कितना आ गया मेरा, 60। ठीक है, तो 24 के जितने भी गुणनखंड हैं सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो 60 होगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा मैंने 48 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले हम। अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार, 24 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 से ही कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए। तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है, 4 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसके गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है, तो योग के लिए मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की जितनी भी पावर होती है हम क्या करते हैं, 0 से शुरू करते करके उतने पावर तक ही जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मैं योग की बात करूं, योग बराबर 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, 4 तक जाना, जितनी भी पावर होगी उतने तक ही जाना है। उसके बाद गुणा का साइन है, तो गुणा लिखेंगे। उसके बाद 3 की पावर कितनी है, 1, तो 3 की पावर 1 तक जाएंगे हम, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए देखो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और ये कितना होगा, 16। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। ठीक, उसके बाद 3 की पावर 0 1, और 3 की पावर 1 3। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब देखो जोड़ लो उसको सबको, देखो ये कितना आएगा, 4 3 7 15, 15 और 16 कितना आएगा, 31 गुणा 4, तो कितना आ गया, 4 1 ना 4 और 4 3 12, तो 48 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी का योग क्या होगा, 124 होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही आसान है सारी की सारी चीजें, बार बार प्रैक्टिस करनी है बस आपको, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मौखिक बनाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा आपका, 100 के सभी विभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी विभाजकों का योग ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, देखो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 5 20,
पंजे सौ, ये लिख सकते हैं। दो भी हमारा अभाज्य है, पांच भी हमारा अभाज्य है, तो ये किसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दो की पावर दो गुणा पांच की पावर दो, ठीक है। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी पावर है हमारी अभाज्य गुणनखंडों की, प्लस करके जीरो से स्टार्ट करके प्लस करते हुए उतनी ही पावर तक हम जाते हैं। कैसे, दो की पावर जीरो प्लस दो की पावर वन प्लस दो की पावर दो, ठीक। गुणा का निशान है तो गुणा का लगाएंगे, पांच की पावर जीरो प्लस पांच की पावर वन प्लस पांच की पावर दो, ठीक है। अब देखो यहां से कितना आएगा एक, यहां से कितना आएगा दो, यहां से कितना आएगा चार, गुणा यहां से कितना आएगा वन, यहां से कितना आएगा पांच, यहां से कितना आएगा पच्चीस, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो कितना आएगा, चार तीन सात गुणा एक कितना आएगा पच्चीस, इकतीस, ठीक। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सात इकना सात, सात इक्कीस, दो सौ सत्रह। तो ये क्या हो गया, सौ के सभी विभाजकों का योग हो गया, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है अभाज्य गुणनखंडों या विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की बात करी, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक है आपका दो की पावर बीस गुणा चार की पावर दस गुणा दस की पावर दस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। इसमें आपको क्या करना है, अब कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमने सभी गुणनखंडों की संख्या निकाली थी या कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, लेकिन अब जो है हमें से केवल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो दो तो अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, तो इससे इसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन हम दो को चार को क्या लिख सकते हैं, देखो दो को तो एज इट इज लेने दो, गुणा चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुणा दो लिख सकते हैं की पावर टेन। और देखो दस को क्या लिख सकते हैं, दो गुणा पांच की पावर टेन। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। देखो यहां दो कितनी बार है, बीस बार है, दो की पावर बीस है, इसका मतलब क्या, दो बीस बार है, तो बीस ऐसी ऐसी दिस लिखो, ठीक है। उसके बाद ये देखो दो की पावर दस, यहां से भी दो की पावर दस, तो कितना हो जाएगा, ये भी दस और दस बीस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से दो की पावर कितनी है, दस, और यहां से पांच की पावर दस, तो दस और दस कितना हो जाएगा, यहां से भी बीस, तो टोटल कितना आ गया हमारा, साठ आंसर, ठीक है। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके सभी, ठीक है। आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेना है प्रत्येक संख्या को। जैसे यहाँ चार था, मैंने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा दो और दो में, ठीक है। जैसे दस था, दस तो भाज्य संख्या है जो दो से और पांच से डिवाइड होती है, इसलिए मैंने क्या करा, इसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया, दो को और पांच में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं हम इसी टाइप के, कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन दो है आपका तीन गुणा पांच की पावर दस गुणा दो गुणा दो गुणा पांच की पावर पंद्रह गुणा सात की पावर पांच गुणा, उसके बाद दे रखा आपको दो गुणा पांच की पावर बीस, ठीक है। इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंड देखो, ये भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ है, तीन भी अभाज्य पांच भी अभाज्य,
कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखी हुई है सारी की सारी, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने की जरूरत नहीं है किसी भी संख्या को, ऑलरेडी ये अभाज्य संख्याओं में है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, देखो कितने गुणनखंड होंगे, कुल कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितने होंगे। देखो 3 की पावर 10 तो मतलब 10 तो ये हो गया, और 5 की पावर 10 प्लस 10, सबको जोड़ते चले जाना है। 2 की पावर 15 है, फिर 2 की पावर 15 है, फिर इस 5 की पावर 15 होगा, प्लस 7 की पावर 5, प्लस 2 की पावर कितनी है 20, प्लस 5 की पावर 20, सबको क्या करते चले जाना, जोड़ते चले जाना है। ठीक है, सबको जोड़ लो, देखो 20 और 15 45 कितना हो गया, 65 70, और 70 और 40 कितना हो गया हमारा, 70 और 40 110। ठीक है, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो कितनी है, 110 है। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड क्या है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैंने क्वेश्चन लिखा आपको 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखो इसको करोगे कैसे, 8 क्या है, भाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसे अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, की पावर 20 गुणा 15 भी क्या है, भाज्य है, जो कि 3 से और 5 से डिवाइड होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, 3 × 15 होता की पावर 24। 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो इसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो 2 की पावर 20 कितनी बार आएगा, 60, तो 20 20 20 तीन बार आएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 60, 2 की पावर 20, ठीक है, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 20, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा ये, 60 बार आ जाएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ से देखो 3 की पावर 24 है और 5 की पावर 24 है, तो 3 24 बार आएगा 5 24 बार आएगा, तो टोटल कितनी बार आएंगे ये दोनों, 48 बार। ठीक है, 24 24 48। उसके बाद 17 कितनी बार है, 15 बार, तो 15 सबको जोड़ दो, देखो कितना हो गया ये, 108, 60 और 48 108 प्लस के 15, तो कितना हो जाएगा देखो, 123 आंसर। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आया होगा आपको, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।